गंगा का पानी हमारा सोनार पंचायत के 2 वार्ड है जंजीरा, वो पूरा डूब गया है। चंदन नगर में जो है वहाँ पे भी थोड़ा कटाई का संभावना है, जिसको हम लोग जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय बिठा करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ प्रियदर्शन। बिहार में भादों की बारिश खत्म हो गई है, लेकिन बिहार के शहरों पर बाढ़ का खतरा और ज़्यादा तेजी से मंडराने लगा है। जी हाँ, बिहार में बाढ़ का खतरा और ज़्यादा मंडराने लगा है, और स्थिति है कि पटना में तो गंगा नदी खतरे के निशान को इस कदर पार कर चुकी है कि कई जगहों पर अब गंगा नदी खतरे के निशान से 1 फीट से भी ज़्यादा बह रही है। और चाहे गंगा के किनारे के तमाम जो इलाके हों, या फिर दियारे के क्षेत्र हों, या फिर गंगा के इलाके के तमाम जो आसपास के गाँव हैं, उन तमाम जगहों पर बड़े स्तर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और स्थिति है कि कई लोग इस गंगा के अचानक आए पानी के जो जलस्तर में वृद्धि हुई है उससे परेशान दिख रहे हैं। दरअसल जल संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में बुधवार को सुबह 8 बजे तक गंगा नदी का जलस्तर पटना में सभी प्रमुख जगहों पर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। पटना के दीघा घाट में गंगा का जलस्तर 51.10 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहां खतरे का लेवल 50.45 मीटर है। वहीं गांधी घाट पर खतरे का लेवल 48.40 मीटर है, जबकि नदी का जलस्तर बुधवार की सुबह 8 बजे यहाँ 49.85 मीटर रहा, यानी कि खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर पटना में गंगा नदी बह रही है। वहीं अगर हम बात करें पटना के पूर्वी छोर की, तो यहाँ मोकामा के हथीदह में गंगा नदी का खतरे का जलस्तर 41.76 मीटर है, जबकि बुधवार को यहाँ गंगा 42.72 मीटर के लेवल को पार कर चुकी थी। ऐसे में यहाँ भी गंगा नदी करीब करीब 1 फीट ज़्यादा जो खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही है। तो गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, और इसे लेकर के आज पटना के मोकामा में वहाँ के BDO और वहाँ के CO, उन दोनों ने कई जो बाढ़ प्रभावित वहाँ पे जो गंगा के किनारे वाले गांव हैं, चाहे वो छतरपुरा हो, शिवनार हो, जजीरा दियारा हो, बरहपुर हो, मोर हो, उन तमाम जगहों की जानकारी ले और वहाँ पे किस प्रकार से लोग गंगा के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से परेशान दिख रहे हैं, इसे लेकर के तमाम तरीके के वहाँ पे राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर के भी अलग अलग किस्म की तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। तो मोकामा प्रखंड के BDO और CO इस पूरे गंगा के जलस्तर में हुए वृद्धि के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर क्या वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वहाँ राहत एवं बचाव कार्य की क्या तैयारियाँ है, आप आइए उनसे पूरी बातों को सुनिए। अभी जो है कसहा दियारा में प्रभावित है लगभग 50 घर, और जंजीरा दियारा में भी लोग प्रभावित है काफ़ी, जो अपने घरों से जो है गंगा नदी पार करके अपने इस तरफ कन्हैपुर मित्रा और बरहपुर की तरफ जो है नाव से आ रहे हैं लोग। और बरहपुर के चंदन नगर में जो है वहाँ पे भी थोड़ा कटाई का संभावना है, जिसको हम लोग जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय बिठा करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी स्थिति कंट्रोल में है, अगर पानी अगर जलस्तर और बढ़ जाता है तब जो है स्थिति गंभीर हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, अभी तो ऐसी बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, BDO मोकामा और मैं खुद जो है कसहा दियारा, कन्हैपुर और मेकरा, बरहपुर जो है भ्रमण करके आया हूँ अभी, और SDO सर लगातार हम लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, कॉल पर जो है हर जो है आधे घंटे पे स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, और खुद भी अभी यहाँ आने वाले हैं, उनका सूचना मिली है कि सर आएंगे और स्थल निरीक्षण करेंगे। तो पूरी स्थिति कंट्रोल में भी है और प्रशासन भी मुस्तैद है, ADM आपदा सर की भी कॉल कई बार आ चुकी है ना, तो जो जैसा भी प्रशासन की तरफ से सहयोग होगा लोगों का किया जाएगा, और जो भी हमारे तरफ से अनुदान हो या फिर जो भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग करेंगे। गंगा का पानी हमारा सिवनार पंचायत के 2 वार्ड है जंजीरा, वो पूरा डूब गया है। सिवनार में भी देखिए कुलगली में पानी हिल गया है, कुछ घर में भी हिल गया है, थोड़ा सा और पानी बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गांव में भी डूबने लगेगा। क्या जो पानी घुसा उसे लोगों में क्या स्थिति है? पूरा अफरा तफरी है, सब लोग जानवर लेके इधर रोड तरफ आ रहे हैं, अच्छी आ रहे हैं, दिक्कत है सबको। कब से वृद्धि हो रही है गंगा में? 3-4 दिन से हो रहा है।